जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज इस बोथ फार्म को हम एनालाइज करेंगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। एक गर्ल फार्म है जिनकी करंट एज 23 ईयर्स है और ये जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। इसके अलावा चीज़ों को इस तरीके से बताएंगे ताकि आप समझ सकें अगर आपकी भी हथेली में ऐसी कोई रेखा बन पड़ी है तो मोटे तौर पर। सबसे पहले लेफ्ट फार्म को देखेंगे, यहाँ से डेस्टिनी के बारे में जानेंगे, फिर चलेंगे राइट हैंड में एंड वहाँ से वर्तमान में कर्म आधारित जो गणना चल रही है उसके विषय में हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी किसी स्त्री या लड़की की अगर आप पाम देखते हैं तो मणिबंध की कोई भी रेखा हो उसे चंद्र के क्षेत्र से आया हुआ जाना जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर रेखाओं की क्या स्थिति है इसके आधार पर उनके बारे में काफ़ी कुछ आप जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रथम रेखा आई है और केतु के क्षेत्र में धनुषाकार होकर भटक चुकी है। केतु के जो निचला शिखर है उसके क्षेत्र में जाके, जो कि धन और सुख से संबंधित रेखाएं हैं उनके साथ सहयोग करने की स्थिति बना रही है। इसके अलावा जो इसका टूटा हुआ खंड है उस शुक्र के क्षेत्र से यहाँ निकल के आगे की तरफ बढ़ा है, जिसका पूर्ण प्रभाव शुक्र के पर्वत क्षेत्र के साथ जुड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ा है, जिसमें शुक्र की जो कुछ मुख्य रेखाएं हैं उनके साथ भी इसका सहयोग बना है। ये क्या बताता है? जब भी ऐसी अवस्था बनती है तो आपके अंदर स्त्रीत्व बोध होता है, आपके अंदर ममता प्रेम मोह की स्थिति काफी प्रबल होती है। और चूंकि ये नीचे की तरफ चली गई है, केतु के क्षेत्र में भटक चुकी है और शुक्र का क्षेत्र यहाँ पे प्रबल है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक, विपरीत लिंग का प्रभुत्व व्यक्ति के जीवन के ऊपर रहेगा, व्यक्ति के ऊपर उसका नियंत्रण रहेगा। यानी पुरुष सत्तात्मक समाज में पुरुषों का नियंत्रण ऐसे जातक के ऊपर होता है, बचपन से लेके बाकी सारी अवस्थाओं तक, चाहे आपके सोच पे, आपके जीवन पे, आपके खान पान पे, आपके पहनावे पे, आपकी जो भी तौर तरीके सोच वगैरह है, सब पर किसी और का नियंत्रण होता है और उसके अधीन आप अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाते होते हैं। और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वो सोच आपकी सोच बन जाती है और आपको लगता है यही जीवन का सच है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको अपने अस्तित्व पर भी शंका की स्थिति पैदा हो जाती है और आपको लगता है कि हमारा अस्तित्व है तो किसी और के कारण है, नहीं तो वैसे हमारे जैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ भी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जबकि ये हाथ बहुत ट्विस्ट वाली है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताती है कि कोई कितना लेकर आता है अपने जीवन में, नियति उसे क्या क्या देती है, लेकिन कर्म के आधार पे आप चीजों को कैसे फुल्ली डिस्ट्रॉय कर सकते हो या बहुत ही अच्छा बेहतर बना सकते हो। जैसे कि इसके द्वितीय या तृतीय जो रेखा है उसकी स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों जो प्रथम रेखा है ना उसके भी सहयोग करने का कार्य करेगी। इस सहयोग की अवस्था क्या बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक तौर पर काफी समृद्धि की स्थिति को प्राप्त करेगा, करियर में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेगा, लेकिन उसका क्रेडिट वो कभी खुद से ना ले पाएगा क्योंकि मानसिक तौर पे वो पूर्ण रूप से उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां उसे लगता है कि जो भी चीजें हमें जीवन में प्राप्त होंगी उसमें किसी और के प्रभाव के कारण ही और सहयोग के कारण ही चीजें मिली हैं, नहीं तो हमें वो ना मिलती, ये निश्चित था। तो ऐसी एक मानसिक गुलामी की स्थिति पैदा करने का कार्य करता है। हालांकि जीवन में सुख और धन की स्थिति इस मानसिक अवस्था के हिसाब से रहने वाला है, लेकिन अगर स्वतंत्र तौर पर देखा जाए तो व्यक्ति यहां पर कहीं ना कहीं बैसाखी के सहारे जिंदगी को आगे की तरफ ले जाएगा। अब हम बात करेंगे ऊपर के क्षेत्रों में और यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को। अगर इस पर्वत क्षेत्र को आप गौर से देख पा रहे हैं तो पाएंगे कि यह पर्वत क्षेत्र काफ़ी प्रबल है, काफ़ी स्वतंत्र रूप से यहाँ पे कार्य कर रहा है, काफ़ी एक्टिव है और जिसे पुष्ट आप कह सकते हैं वो है, यानी कि सफल रूप से कार्य करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसमें जो त्रिशंकु की यानी कि सती रेखाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी डावाडोल होकर चल रही है और टूट फूट के चल रही है। जब बेस में ऐसी एक तरीके से मानो बॉडी है ना, तो बॉडी के अंडर जो सेल्स होती है, सेल्स के आधार पर बाकी हमारे पूरे बॉडी बनती है, तो ये सेल्स है और जब सेल्स टूटने लगती है ना या बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लगे तो ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो जाती है। और उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है और जीवन लीला समाप्त होने की तरफ व्यक्ति की बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे टूट रही है लेकिन नई नहीं बन रही है। ऐसी अवस्था जातक के लिए घातक है और जातक को मानसिक स्तर पर काफ़ी कमजोर करने का कार्य करती है। इसलिए जातक को खुद पे भरोसा करके खुद की सोच के अनुसार भी आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अगर आप किसी की उंगली थाम के पकड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको जो सफलता मिलने जा रही है वो बहुत ही औसत मिलने जा रही है, जो कि आपके जीवन को कठिनाइयों में धकेलने का कार्य करेगी, आपको कहीं किनारे पर लगाने का काम नहीं करेगी। ये जो आपकी नाव है ना, ये सहारे की नाव, ये मझधार में ही बस खड़ी रहेगी, वहीं पे चक्कर लगाती रहेगी कि भैया अब जाएंगे किनारे, अब जाएंगे किनारे, लेकिन फाइनली डूब जाओगे, किनारे कभी नहीं लगोगे। तो आपको अपना जो खुद का भगवान ने दिमाग दे के भेजा है उसका उपयोग करने के लिए भेजा है, इसके लिए नहीं भेजा कि जैसे भेजा है वैसे ही ला के दे दोगे तो तुम्हें
इनाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो परिस्थितियाँ हैं ये आपके पक्ष में नहीं है, आपके अंदर धार्मिक जो भावना होती है वो काफ़ी बढ़ी चढ़ी है, संस्कार वगैरह जैसी चीज़ें आपके अंदर काफ़ी बढ़ा चढ़ा के डाली गई हैं। निश्चित तौर पे ये सब मानव जीवन के लिए आवश्यक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब उसका उपयोग किसी को अपाहिज करने के लिए, किसी का फायदा उठाने के लिए जब किया जाने लगे तो जहर की तरह हो जाता है। जो जहर और विषयोग की स्थिति आपके शनि के इस क्षेत्र पर बन रही है, जब एक चंद्र की स्थिति आपके शनि के इस क्षेत्र पर आके आरूढ़ हो जाती है। शनि और चंद्र जब आपस में इस तरीके से मिलेंगे, इनफैक्ट कुंडली में भी मिले, तो आपके लिए विषयोग का निर्माण करता है, और यहाँ पर भी उसी तरीके से आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल की तरफ बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अब अगर हम देखते हैं गुरु के इस क्षेत्र में कि यहाँ पे कुछ अच्छे सिंबल है क्या, तो जी हाँ, बड़ की स्थिति बन रही है, जो कि इस क्षेत्र के विकास में बहुत ही सहायक होती है और आपके जीवन को ऊपर की तरफ ले जाने का कार्य करती है। लेकिन ये बहुत कम शक्ति वाली है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत कदकाठी के मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, एक ही जैसे दिखने वाली हर एक चीज के अंदर की गुणवत्ता अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार यहाँ का जो वर्ग है ये बहुत ही फीका है और इसका प्रभाव भी उसी तरीके से कम है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुसार चलने की नियति पैदा नहीं कर पा रहा है। और मैं चाहे कितना भी बोल दूँ, नियति बदलने वाली नहीं है, मैं कितनी भी अच्छी सीख दे दूँ, होगा वही जो कि किस्मत ने आपकी तय कर रखा है। और यहाँ पे इन परिस्थितियों को आपके अनुसार आपके पक्ष में यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर व्यक्ति चाहेगा तो अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात इन चीज़ों को अपने पक्ष की तरफ कर पाने की क्षमता विकसित करेगा। खुल के बोलना चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है, कोई बातें खराब लगती है, अच्छी लगती हैं, तो बातें करो, ठीक है, बात करने से बात बनती है। अगर उसे आप खुद तक सीमित रखते हैं या उसे अपनी नियति मान लेते हैं, तो ये आप अपने साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं, अपने साथ आप एक तरीके से कहो तो अपराध कर रहे हैं। इस अपराध की सजा ये दुनिया दे न दे, परलोक में मिलेगी, कहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ हो रहे अत्याचार या हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी आवाज़ निकलनी चाहिए, आवाज़ दबनी नहीं चाहिए कहीं, ठीक है। और ये आवाज़ यहाँ पे दब रही है, चीज़ें घुटन में तब्दील हो जाएंगी, कचरे में तब्दील हो जाएंगी। उसके बाद ये आपको मानसिक तौर पे परेशान करने का कार्य करेगी और जो आपको अवसाद तक लेते हुए चली जाती है, और ये अवसाद ही जीवन की मुश्किलों को बढ़ाने का कार्य करता है और उसके उपरांत बहुत कुछ होने की शुरुआत हो जाती है। और जब यहाँ पे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा हो तो हमें निश्चित तौर पे खुल के जीने की कोशिश करनी चाहिए और जीना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ऐसे मान के चलो। इसके अलावा अगर नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि महत्वाकांक्षा है, बढ़ रही है, यानी कि अंदर ही अंदर एक है कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे है जैसे हमने पीछे बोल दिया हो कि भैया देख लो मेरे पैर में रस्सी बंधी है ना मजबूती से, तो हाँ भैया बंधी है, नीचे कील ठोक दो कि मैं कितना भी चाहूँ बढ़ ना पाऊँ, ठीक है। एक बार संतुष्ट हो गए कि नीचे कील ठुक गई, अब क्या करना है कि आगे बढ़ने के लिए आप कूद रहे हो कि नहीं 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 मैं तो चाहता हूँ आगे बढ़ना, मैं तो चाहती हूँ आगे बढ़ना बढ़ना बढ़ना, और नीचे पैर भी देख रहे हैं कि खुल ना जाए रस्सी। तो ऐसी अवस्था को दर्शाती है, आप बंधन से निकलना भी नहीं चाहते और सारा आसमान भी अपने हाथों में लेना चाहते हो, कैसे हो पाएगी दोनों चीजें, या तो जी लो या मर लो, सीधी कहानी है, और कुछ है नहीं दुनिया में, ठीक है। तो इन चीजों को आपको तय करना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या आखिर, तब जाके वो चीजें आपको प्राप्त होंगी। इस जीवन में सीधी से समझ लो, सारी रुकावटें, सारे कायदे, सारे नियम, सारे कानून अपनी जगह पे है और जिंदगी की गति अपनी जगह पे है। एक दिन फाइनली खत्म हो जानी है और तब जब लास्ट में बैठ के सोचोगे ना तो पता चलेगा हाथ में क्या आया, अंडा, कुछ नहीं आना, ठीक है, जी लेनी चाहिए, मन महसूस के नहीं, कंप्रोमाइज करके नहीं, अपने तरीके से। जिंदगी बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ, कभी बनाऊंगा वीडियो बताऊंगा आपको कितनी आसान है, और हमने उसे इतना मुश्किल बना के रखा है ना, पूछो मत, हद से ज्यादा मुश्किल बना दी है हमने इस ब्रह्मांड को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहली जो रेखा मैंने खींची थी एक इस अवस्था को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि कुछ अपने हैं जिनका सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद आप पे हमेशा बनता रहेगा, जो कि मुश्किल भरी जिंदगी में भी आपको सुकून के कुछ क्षण देगा, सुकून के कुछ पल देगा, लेकिन इस अवस्था में भी वो एक बहुत ही छोटी छोटा सा टाइमिंग है, ठीक है। तो आपको इसे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, खुली हवा में सांस लेने की सोचनी चाहिए, जो कि आपके जीवन को एक आधार दे सके, जीवन को बढ़ाने का कार्य कर सके। अगर इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो नीचे के इस क्षेत्र में त्रिभुज की स्थिति यहाँ पे बनना निश्चित तौर पे व्यक्ति के सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन एक क्षण तक, एक दूरी तक, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप उसे फाइनल करना चाहेंगे, फाइनलाइज करना चाहेंगे, उस समय ये राह में रोड़े यहाँ पे देखो, ये दोनों रेखाएं आप आके यहाँ पे अटकाने का कार्य कर रही है, यानी कि बढ़ोगे बहुत बेहतर गति से कि हम इन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे, हम क्षमता रखते हैं,
लेकिन जब फाइनली वहां पे पहुंच जाओगे तो ये जो आपका गुरु यहाँ पे है ये आपको मुश्किलों से बचाने का कार्य नहीं करेगा, आपके ऊपर 100 डिस्ट्रक्शन वहां पे आएंगे, 100 कहानियां आएंगी और पुनः उसको भवभाव वाली स्थिति जातक के जीवन में भी यहाँ पे आने का कार्य करती है। यानी कि ये है ये अपना, और ये पुष्ट भी है, ये अपना प्रभाव भी दिखाएगा, लेकिन उसका लाभ व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब निश्चित है, गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति को प्राप्त होगी, इसमें कोई दोष की अवस्था नहीं है। इनफैक्ट कि अब तक जातक को मतलब आधा काम आपका हो गया होगा ऐसा समझ लो, अगर आपने कहीं भी इन्वॉल्व अगर आप हो, क्योंकि राइट हैंड में चलेंगे तो वहां से पता चलेगा एंड, और वो चीजें आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगी, उसमें किसी प्रकार की शंका की स्थिति नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सती रेखाओं का प्रभाव तो झूमते हुए चलती चली जा रही है, जैसे कि मतलब पतझड़ के बाद एकदम बढ़िया मौसम बरसात की आई हो और झूम ले रहे हैं, वैसी स्थिति में चल रहे हैं। और ये झूमना शनि के इस क्षेत्र में जो कि आपके लिए विष योग का निर्माण कर रहा है अत्यंत घातक है, अत्यंत घातक। तो इससे संभल के यहाँ पे रहने के लिए जातक को कोशिश करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की निराशा वगैरह जैसी चीजों को अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, किसी स्थिति में नहीं, क्योंकि आप वही हो, याद करना हमेशा, आप वही हो जो कि जब माँ के गर्भ में 50 लाख भ्रूण के साथ थे और आपने सबको मात दे के इस दुनिया में आप आए हो, इस धरती पे कदम रखा है, आप जन्मजात योद्धा हो। जब इस दुनिया में आप पहुंचे नहीं थे उससे पहले आपने वैसी लड़ाई जीत ली है जैसी इस दुनिया में आपको कभी नहीं लड़नी। आप योद्धा ही पैदा हुए थे, योद्धा ही हैं और योद्धा ही जाएंगे, कभी बस ये भूलना मत। जिस दिन भूल गए ना उस दिन आपको पता चलेगा कि कुछ है नहीं और वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपकी इतनी क्षमता, आपके इतना साहस दुनिया में किसी में नहीं है, सच बता रहा हूं। ओनली यू, बस आप, हर एक बंदा, हर एक बंदी जो भी है इस दुनिया में, उसके इतना शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये न मानने की वजह से आपके इतना कमजोर दुनिया में कोई नहीं रहता। आपको इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। अब जितनी गलतियां हैं, जो गलत चीजें हैं जो कि निराशा की तरफ ले जाती है, उन झूठी चीजों पर आप भरोसा करते हो, लेकिन जो अटल सत्य है उसे आप हमेशा, पता ही नहीं चलता आपको कि ऐसा कभी हुआ था मेरे साथ। जाओ ना खुद के अंदर, पता चलेगा क्या हो, आप भर जाओगे पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से, जब देखोगे खुद को आप पहचानोगे। जब सीधी खड़ी लाइनें यहाँ पे आपके सूर्य की इस तरीके से आ रही हैं और आपस में मिलके एक भेद पैदा कर रही है, तो ये क्या करेगी, अपमान की स्थिति को पैदा करेगी, जो कि बनावटी होगी, जो कि आपके ऊपर आवरण की तरह चढ़ा के दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपके कृत्यों के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जबकि उसका मतलब हो नहीं रहेगा, अर्थ हो नहीं रहेगा। अर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारी जो एक बनावटी दुनिया है, हमने जो अपने आगे पीछे दुनिया रच रखी है, हमने जो जिंदगी जीने के तरीके विकसित कर रखे हैं, उससे अलग कोई कैसे निकल सकता है, कोई कैसे दुनिया को दिखा सकता है कि इसमें प्रतिभा है जबकि हम घर बैठे हुए हैं। देखो मेरी बातों को आप अपने जीवन के आसपास जो है ना चीजें उसके साथ कोरिलेट करते जाओ, जैसे जैसे सुनते जा रहे हो सब कुछ आपको क्लियरली स्पष्ट दिखने लगा होगा क्या है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से वो आपको नजर आएगा और उसके अनुसार आप अगर काम करना शुरू करेंगे तो आपके लिए फायदे की स्थिति बनेगी। अब यहाँ पे देखो बहुत ही मध्यम स्थिति बन रही है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि सूर्य कहीं ना कहीं लगी पड़ी है, यानी कि संकोच की स्थिति में है कि करे या नहीं करे, व्यक्ति में है आगे बढ़ने की क्षमता लेकिन ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ऐसी स्थिति को उहापोह वाली स्थिति है। अगर इसमें आपने जोर लगा दी ना तो चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, आप उन उस खुशी को प्राप्त, उस पूर्णता को प्राप्त कर लोगे, लेकिन अगर रुक गए ना, जो कि स्पष्ट है कि रुकोगे ही, तो वो स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो एक झटका लगने दो, बाहर निकल जाने दो, खुद को रोको मत, फंसो मत, रुको मत, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बुध की इस स्थिति की बात करेंगे, काफ़ी शांत है, सौम्य है, लेकिन एक समंदर के क्या है ऊपर ना बहुत शांत होता है और जब नीचे हलचल उठती है ना तो सुनामी आती है, तो वैसी स्थिति पैदा ना होने पाए इस पर कार्य करना है। किसी को देखना एक आकर्षण है और आकर्षण से ज़्यादा कभी बढ़ना नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप्स और अपनी मर्यादा का पाठ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर है, पढ़ाया जाना चाहिए, अच्छा है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों में आएंगे तो पाएंगे हम कि अन्य पर्वत क्षेत्रों की स्थिति भी जातक के लिए कमोबेश अच्छी है, खासकर मंगल की बात करें तो यहाँ पर वाणी में सौम्यता और व्यक्ति को स्पष्ट तौर पर डिगे
अडिग रहने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है, क्योंकि आप में नैतिक बल है और आप जीवन के प्रति आपका नजरिया स्पष्ट है और आप खुद की नज़रों में न गिरे हैं न कभी गिरेंगे, इसलिए आपका जो मंगल का सहयोग यहाँ पर आपके जीवन में काफ़ी बेहतर हमेशा रहने वाला है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों की बात करें तो शुक्र का यह क्षेत्र भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी प्रबल है, इसलिए जीवन में जो भी धन धान्य गाड़ी वाहन पैसे बैंक बैलेंस इन सब की सुविधा आपको आजीवन प्राप्त है और आगे भी जीवन भर आपको प्राप्त होती रहेगी। जन्मजात इन चीज़ों की आपको प्राप्ति ऑलरेडी पहले से है। विदेश यात्रा के भी आपके योग हैं, ठीक है, विदेश यात्रा भी आपकी काफ़ी कुछ बनेगी, उसके भी योग बन रहे हैं। पैसे समय समय पर काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में आपके समक्ष आते रहेंगे, उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप म्यूजिक से संबंधित कार्यों में अपनी अगर रुचि जागृत करें तो इन फ्यूचर आने वाले समय में आपके लिए मुख्य पेशे के तौर पर वो जाना जाएगा और ये निश्चित है वो होगा ही, ठीक है। इसके अलावा आपके बाकी जो चंद्र की रेखाओं की बात करें तो आपके लिए जो आपकी उम्र अभी 28 से ऊपर जाएगी, आपके लिए विदेश यात्रा के भी काफ़ी मार्ग प्रशस्त हैं, तो बाहर के देशों तक में आपके लिए मौके बनेंगे चीज़ों को जानने का समझने का। हालांकि एक दुखांत है और हालांकि उसके बाद भी बहुत छोटे पीरियड के लिए है तो जो कि आपको खुशियाँ देगा, लेकिन फिर से आपको चीज़ें वापस उसी दुनिया में लेके आने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आपके जीवन रेखा की स्थिति देखें तो अभी तो फिलहाल ठीक चल रही है क्योंकि एक लंबा बुरा वक्त ऑलरेडी आप गुजार चुके हैं, ठीक है, आपकी रेखाओं के आधार पे जो चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हैं, और लेकिन अभी आने वाला समय पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है, ठीक है, तो थोड़ा सा और खुल जाना आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल होते चली जा रही है। मंगल के क्षेत्र ने तो खैर जो ये मुश्किल रेखाएं हैं उसे एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन जीवन रेखा ने रिजेक्ट नहीं किया है और राहु का क्षेत्र उसे परिचय दे रहा है। राहु के क्षेत्र के परिचय देने से क्या होगा कि यहाँ पे आपको माता और पिता की तरफ से आपके लिए यहाँ पर थोड़ी समस्याओं की बढ़ने की स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें किसी न किसी कारणवश उसके कारण आपका जीवन यहाँ पर प्रभावित होने का कार्य करेगा। इसके अलावा कुछ ना कुछ मुश्किलें हमेशा आपके साथ चलती रहेगी। साथ ही जो अभी आपका आने वाला वक्त है यानी कि अगले 3 से 4 महीने वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने के लिए कार्य कर रहा है और ये बदलाव सुखद कम और थोड़ा मुश्किल ज्यादा है, लेकिन हर एक मुश्किल जो है ना एक लर्निंग पीरियड है जो कि आपको मजबूत बनाने के लिए, जब क्या होता है ना कि किसी भी चीज का आप निर्माण करोगे ना तो बीच में टेस्टिंग करते होते हो कि ये सही है या नहीं, सही तरीके से काम चल रहा है या नहीं, जहाँ भी कुछ कमी देखते हो फिर से शुरू करते हो, फिर से उसे मजबूत बनाते हो, फिर से उसे अच्छा करते हो और फिर आगे बढ़ते हो, फिर चेक करते हो। तो ये जो रीचेक की का तरीका है ना 3-4 बार चेक करके ताकि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो, तो ये जब भी आपके जीवन में मुश्किलें आती है ना बस यही समझो कि भगवान ने आपको रोक लिया है, एक लाइन में से खींच लिया है कि नहीं इसके अंदर कुछ कमी है, इसे फाइनली ठीक कर देते हैं फिर इसे लाइन में लगा देंगे, फिर तेजी से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो जो बुरा वक्त होता है ना वो असल में बुरा वक्त नहीं होता है, वो आने वाला जो बहुत बुरा वक्त है उसे रोकने के लिए एक छोटा सा मुश्किल वक्त आपको दिया जाता है जो लर्निंग का पीरियड होता है, ताकि आप समझ सके, चीज़ों को सीख सके और जीवन में और भी ज़्यादा तेज गति से आप बढ़ सके। देखो हड़बड़ाहट में कोई काम करोगे ना तो पहले तो भाग जाओगे काफ़ी आगे, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि पहला लेवल आया, अभी नाला क्रॉस करना है तो पता ही नहीं चले कि कैसे क्रॉस करेंगे। अगर वहीं पे जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि ऐसे ऐसे करके जाना है वहाँ पे अगर जल्दीबाजी आपने न की होती, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया होता तो क्या होता, आप थोड़ा देर से निकलते लेकिन कहीं रुकते नहीं। अगर आप रुक जा रहे हो मतलब इंस्ट्रक्शन आपने ठीक से पढ़े नहीं, फॉलो नहीं करे जो कि बचपन में बताए गए थे या जो आपके लिए होना चाहिए था, तभी जाके आप बार बार रुक जा रहे हो या बार बार गिर जा रहे हो। तो ये जो बुरा वक्त है ना सो कॉल्ड बुरा वक्त, ये असल में लर्निंग का वक्त है, सीखने का वक्त है, जो कि आपने उस समय सीखने में समय नहीं दिया था। शॉर्टकट की दुनिया में जैसे हमारे वीडियोस पे लोग आते हैं इतनी लंबी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, भैया आपके जीवन की तकलीफ का ही यही रीज़न है, तकलीफ का ही यही रीजन है कि आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हो जीवन भर। और जब तक शॉर्टकट में पड़े रहोगे ना यकीन मानो लॉन्ग कट कभी नहीं कर पाओगे, लॉन्ग कभी नहीं जा पाओगे, हमेशा शॉर्ट ही तुम्हारी जिंदगी जाएगी। इसलिए सब्र बड़ा जरूरी है जीवन में, ठीक है, सब्र के साथ आगे बढ़ोगे चीज़ों को जानोगे तो अच्छा लगेगा। हमारी वीडियोज पे हमारे जो मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो सच बताओ तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, बड़े बड़े घरानों के होते हैं, बड़े पैसों वाले होते हैं, करोड़पति अरबपति होते हैं, मतलब हर एक तरीके से बुद्धिजीवी होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे और अच्छे संस्कारी लोग होते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या है। उनकी अंतर्मादा होता है ऐसी वीडियोस को देखने का। वो एक एक चीजों पर गौर से देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई ऐसे ही बुद्धिजीवी नहीं हो जाता, ठीक है? तो मादा पैदा करो, सब्र करो और टिकना सीखो। टिकोगे ना, एक बार रुकोगे ना, जिंदगी बहुत कुछ देगी। हड़बड़ाहट में रहोगे ना तो भैया राधे राधे, फिर तो कुछ होना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो बाकी परिस्थितियां बन रही है उस पर अगर आप गौर करेंगे तो इस मध्य के क्षेत्र में पाएंगे कि कई सारी रेखाएं आपस में एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रही है। इस सारी रेखाएं जो है ना, यहाँ पे सौभाग्यवश अगर कहें तो जातक के लिए काफी बेहतर है, ठीक है? और ये जो अभी आने वाले वक्त में जो बदलाव है ना, जो कि शुरुआत में आपको एक तरीके से पढ़ाने वाला है, सिखाने वाला है, जिंदगी के कुछ और गुर सिखाने वाला है, वो गुर सीखने के पश्चात आप जीवन में तेज गति से आगे की तरफ बढ़ने का कार्य करेंगे। हालांकि मानसिक गुलामी की स्थिति साथ ही जारी रहेगी, ऐसी परिस्थिति आपके लिए यहाँ पर बनने का कार्य करेगी। संगीत के प्रति अपने रुझान बनाए रखें, धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति अपने ज्ञान को और आप विकसित करने का कार्य करते रहें, उसमें संलग्न रहें, उसका पठन पाठन करते रहें ताकि मन शांत रहे और शांति मिलती रहे, ताकि जो मुश्किल वक्त है ना वो भी अच्छे से गुजर जाए और सही तरीके की जानकारी प्राप्त हो सके। वैवाहिक जीवन बहुत ही शुभ है और बहुत ही बेहतर है। इनफैक्ट कि आपके लिए जीवन में अगर कुछ अच्छा है तो आपका वैवाहिक जीवन ही है, जो कि आपको जीवन के हर एक देने का कार्य यहाँ पे देने की कोशिश करेगा। कोशिश याद रहे। अब हम बात करेंगे आपके बाएं हाथ की। बाएं हाथ में गुरु के क्षेत्र से पहले चलते हैं आपके मणिबंध की रेखाओं पर। यहाँ की स्थिति को हम जांचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखेंगे जो द्वितीय रेखा, यानी कि अगर यहाँ से हम जांचते हैं तो प्रथम रेखा तो यहाँ के खत्म हो गई, बिल्कुल वही स्थिति है। लेकिन जब प्रथम रेखा कहीं द्वितीय खंड ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर की तरफ आके यहाँ पर कोण की स्थिति को पैदा करने का कार्य करता है। और कोण की स्थिति है, ये व्यक्ति को चालाक बनाता है, व्यक्ति को पैना बनाता है, व्यक्ति को जितना इंस्ट्रक्शन मिला है ना उससे ज्यादा आगे बढ़ के कार्यों को करना चाहता है, थोड़े दिखावा में भी जाता है। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये आपके अंदर जो अच्छे गुण है उसको, उसका ह्रास करेगी और आपके जो बुरी चीजें हैं उसको बढ़ाने का कार्य करेगी और आपके सौभाग्य को भी कमजोर करने का कार्य करती है। तो इस पे आपको अंकुश लगाना चाहिए, ठीक है? दूसरे का धन मिट्टी के समान, दूसरे का सब कुछ मिट्टी के समान, जो हमारा है वही सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, जय श्री राधे, बस ऐसी भावना आपके अंदर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस मध्य के क्षेत्र में देखिए तो नीचे की तरफ उभरा हुआ आप त्रिभुज की स्थिति देखेंगे। चलो ये यहाँ पे शुभ है, जो कि आपके अंदर मातृत्व के गुण का विकास करता है, स्त्रीत्व बोध कराने की क्षमता का फिर से विकास करने का कार्य कर रहा है और पैतृक धन को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, ठीक है? तो ये धन आपके काम आएगा और एक बुरे वक्त में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा दूसरे देखें तो धन की और सुख की स्थिति इस हथेली के अकॉर्डिंग फिलहाल काफी मुश्किल में है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे संभलेंगी, यानी कि अपनी निजी कमाई की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके गुरु के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर क्रॉस की स्थिति स्पष्ट है, यानी कि अभी जो आपकी जो चीज़ें हैं, आप जो अपने करियर के क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप उसमें सही रास्ते पर हैं। थोड़ी मोरी मुश्किलें हैं, उसे अभी आप आने वाले समय में दूर करेंगे, उसके पश्चात आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे और एक सरकारी कर्मचारी के रूप में आप अपने जीवन को आगे स्पष्ट तौर पर बढ़ा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की स्थिति नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा आपके आपको दोहरा जीवन जीने के लिए यहाँ पर विवश कर रही है, जो कि काफी अच्छा नहीं है। नीचे के क्षेत्र में जो इसमें जो काई के जैसी स्थिति बन रही है वो सौभाग्य से, दुर्भाग्य से बस एक कदम दूर थी, दूर है, अन्यथा ये आपके लिए काफी मुश्किलों को पैदा करती, लेकिन फिलहाल ये अब काफी अच्छी स्थिति में चल रही है, इसलिए वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की अड़चन की स्थिति को ये पैदा नहीं होने देगी। लेकिन नीचे मध्य के इस क्षेत्र में जो कोण है ये अपने ही लोगों के द्वारा आपके जीवन में मुश्किलों को बढ़ाए जाने की स्पष्ट तौर पर प्रतीक के रूप में कार्य कर रहा है। शनि के इस क्षेत्र में अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि घसा हुआ चंदन यहाँ पे मौजूद है, यानी कि टूटा फूटा ऐसी अवस्था में यहाँ पे मौजूद है। लेकिन एक कहावत है कि भैंसा बीमार भी रहता है ना तो 2 एकड़ खेत आराम से चढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा घसा हुआ है ना, फिर भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है? और फिलहाल आपकी जो तेजी है वो आपके काम यहाँ पर कर रही है, हालांकि दूरगामी परिणाम इसका अच्छा नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो भैंसा चलेगा तो फिर पेट खराब होगा ना, तबीयत अच्छी नहीं है, तो ऐसा है। अब हम बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की। यहाँ की परिस्थिति कैसी है? काफी अच्छी, बिल्कुल त्रिकोणात्मक एकदम डिजाइन की तरह इसने बना के कोण की स्थिति बना रखी है।
कोई दोष ही नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम करने वाली है, जब भी करना ना तो अच्छे से सोच समझ के प्रेम विवाह करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपकी होने वाली है बहुत जल्द, 28-29 में, यानी कि एक तरीके से समझो कि जॉब आपकी साल भर हुई होगी उसी के दरमियान है। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पे क्रॉस कुछ ज़्यादा हो रहा है, जो कि जीवन की गति को धीमा कर रहा है, ठीक है। तो परिजनों में से किसी के साथ यहाँ पे थोड़ी मुश्किलों को अभी आने वाले समय में स्पष्ट तौर पे बढ़ा रहा है, ज़्यादा अंदर नहीं जाते। अब हम बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा की, जो कि डवाडोल स्थिति में यहाँ से फिर से आगे बढ़ रही है और पीछे की तरफ अपने लश्कर को भेज रही है। पीछे की तरफ भेजना इनके लिए कतई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको बैक फुट पे लेके आने का काम करेगा, और आप अपने जो आप जिस कदम पे आगे बढ़े होंगे उस पे बार बार आप विचार करेंगे और पीछे हटने की कोशिश करेंगे, और पीछे हटना आपकी मुश्किलों को बढ़ा देगा और आपके लिए चीज़ों को काफ़ी हद तक मुश्किल बना देगा। तो ऐसी कोई भी स्थिति आए, जब एक बार बढ़ चुके हो ना, तो फिर पीछे मत हटना, ठीक है। पीछे हट गए तो जिंदगी किस्मत रूठ जाएगी, बस ऐसा ही समझ लो, ठीक है। इसके अलावा नीचे के इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि काफ़ी सारे कोण की स्थिति यहाँ पर बन रही है, जो कोण की स्थिति आपके लिए डुबाने का कार्य यहाँ पे करने वाली है। जल से हमेशा दूर रहने का दूर रहने की आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तैराकी भी सीखने ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि सीख तो नहीं पाओगे, उल्टे कुछ और ना मुश्किल आ जाए तो ऐसी संभावना बनेगी। कभी किसी को पैसे ना दे किसी भी कार्य के लिए, जैसे नौकरी के लिए दे दिया या किसी चीज़ के लिए दे दिया, पैसे आपके डूब जाएंगे, पैसे वापस आपके नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अग्नि से संबंधित कोई कार्य में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो उसे बिल्कुल कदापि ना करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और अग्नि से हमेशा बच के रहें तो ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। इनफैक्ट कि पूजा घर में भी अगर अगरबत्ती भी जलाते हैं तो सही तरीके से जलाएं, नहीं तो अग्नि से आपको स्पष्ट नुकसान यहाँ पे बन पड़ा है और जल का भी वही हाल है। तो इन दोनों चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। मंगल की स्थिति फिलहाल इसमें उतनी बेहतर नहीं है, यानी कि अभी आने वाले समय में ये थोड़े से मुश्किलों को आपके लिए पैदा करेगी और आपकी निडरता ही आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी, क्योंकि कई दफ़े आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उन चीज़ों को अलग तरीके से ले लेंगे और आपके जीवन को मुश्किल में डाल देंगे, और ये काम आपके परिवार के लोग ही करेंगे। इसलिए अपनी वाणी पर संयम भी थोड़ा रखें और ज़्यादा अकड़ के पेश ना आना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप किसी की भी कितनी भी माने वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर इन गुणों का विकास अगर कोई देखेगा तो उसे अपने भविष्य के लिए खतरा मान के आपको फिक्स करने की कोशिश की जाएगी, तो उस पर काम करना आवश्यक है। मध्य के क्षेत्र में जो टूटी फूटी रेखाएं हैं, एक किस्मत को उसी प्रकार से टूटा फूटा बनाने का कार्य करती है, जिस समय हम करेंगे सबके लिए, हमारे लिए कोई नहीं है, बस ऐसी प्रकृति को पैदा करेगा। मंगल यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर चल रहा है एंड बाकी परिस्थिति अच्छी है। आपके जो सवाल की बात कर ले तो ज़्यादा कुछ आपने पूछा नहीं, बाकी सब हमने बता दिया। एंड जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या है, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ग्रुप ए के तो कोई चांसेस है नहीं, ग्रुप बी में आपके लिए स्पष्ट चांसेस हैं, और जो आपकी उम्र चल रही है इस उम्र में ही आपके लिए स्पष्ट चांसेस है, इसमें किसी प्रकार के कोई दोष की स्थिति नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब ही होगी, ठीक है। और संगीत के क्षेत्र में आपके लिए बढ़ने के स्पष्ट संकेत हैं, उस क्षेत्र में आने वाले वर्षों में आप उसे तवज्जो देंगी और उसमें और भी ज़्यादा गुण सीख के और आगे की तरफ बढ़ना आपके लिए श्रेयकर रहेगा, जिससे कि आपको मान सम्मान और धन की स्थिति भी आपके लिए पैदा होगी। हालांकि ये बहुत छोटे समय के लिए होगी, लेकिन जो भी होगी पहचान दिलाने के लिए काफ़ी होगी। धर्म में अपनी आस्था बनाए रखें और धर्म कर्म के कार्य करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, इससे क्या होगा कि शांति की स्थिति एक बनी रहेगी। जीवन में मुश्किलें आपकी एक दिन से ज़्यादा लेट नहीं करेगी आने में, यानी कि कोई भी ऐसा दिन आपके लिए बहुत ही लंबे अरसे के बाद आएगा जिस दिन आपने बहुत सुकून से पूरा दिन निकाल दिया हो और रात में अच्छी नींद आ गई हो, नहीं तो कोई ना कोई अड़चन हमेशा जीवन के साथ आपकी लगी रहेगी। आपकी नियति है, अब तक भी आपने महसूस किया होगा और आगे भी आपके साथ लगी रहेगी, इसके साथ इनफेक्ट कि अब तक आपने जीना सीख लिया होगा और ये काफ़ी अच्छा है, सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता, आपको तो फिर भी बहुत कुछ मिला है। चलो तो बाकी यही, हाँ एक और बात बता दूँ, संतान में थोड़ी सी आपको समस्या के योग बनेंगे, ठीक है, विवाह पश्चात, तो उसके लिए अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, और थोड़ा सा समय लगेगा, 6-7 साल का समय मान लो तो लगेगा, लेकिन होगा और प्रथम संतान पुत्री की स्थिति बनेगी। और भी कुछ जो भी सवाल हो आप टू द पॉइंट और चीज़ों को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 बार वीडियो देख लेना, एक एक वर्ड को ना विस्तार देना, सब कुछ बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, समझ में आ जाएगी, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं, और कुछ बाकी लोग जो अब तक ये वीडियो देख पा रहे हो, शॉर्टकट पसंद करने वाले लोग तो देख नहीं रहे होंगे, लॉन्ग कट वाले सब जानते ही हैं, फिर भी अनजाने में कोई आ गए हो तो बता दूं कि ये फुल्ली पेड एनालिसिस होती है, यानी कि कोई भंडारा नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नंबर मिलेगा, जहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आप फी के बारे में पूछ सकते हैं, आपको बताई जाएगी। अच्छी लगे तो आगे बढ़िएगा, नहीं लगे तो फिर आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। और फ्री जैसी कुछ चीज़ें नहीं है, इसलिए ऐसा अगर कुछ आप कमेंट करते हैं तो आपको ब्लॉक रिपोर्ट किया जाता है, ताकि आप जीवन में कभी भी फिर से कष्ट ना कर सके। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।